मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल क्विक लर्निंग IT में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको डेटा वैलिडेशन सिखाने वाली हूँ एक्सेल में। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक नेम का कॉलम बनाया है, एक मोबाइल नंबर का और एक डेट ऑफ टेस्ट का। तो मैंने अगर इसमें क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर एक मैसेज शो कर रहा है, प्लीज एंटर फुल नेम ओनली। तो अगर यहाँ पर कोई भी यूजर इसे देखता है तो समझ जाएगा कि उसे यहाँ पर फुल नेम एंट्री करना है अपना। बट अगर मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर ये कॉलम है, तो यहाँ पर अगर कोई मोबाइल नंबर 11 डिजिट्स का एंटर कर देता है तो क्या होगा? तो देखिए मैं एंटर कर देती हूँ तो यहाँ पर एक अलर्ट मैसेज आएगा कि एंटर 10 डिजिट नंबर ओनली, और उसे रिट्राई करने का ऑप्शन मिलेगा। तो वो अपना वापस नंबर चेक कर सकता है कि उसने कहीं गलती से 11 डिजिट्स तो नहीं डाल दिया। तो देखिए एक बार मैं कम नंबर भी डालती हूँ और एंटर करती हूँ तो देखिए सेम मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। और यहाँ पर देखिए मैंने एक डेट ऑफ टेस्ट बनाया है, तो मैं यहाँ पर कोई भी डेट एंट्री कर देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर 12th दिसंबर 2022 एंट्री कर देती हूँ तो देखिए यहाँ पर भी एक एरर मैसेज आया है, प्लीज एंटर डेट्स ऑफ जून ओनली, 2022 का सिर्फ जून का डेट हमें एंटर करना है इसमें। तो आप भी इस तरह से अपने एक्सेल के लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में भी इस तरह से वैलिडेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब आखिर मैंने कैसे किया है, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसे सिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर एक दूसरा शीट ओपन किया है, अब मुझे यहाँ पर डेटा वैलिडेशन को अप्लाई करना है। तो जैसे यहाँ पर नेम लिखा हुआ है तो मैं चाहती हूँ कि जो भी यूजर इसे देखे वो सिर्फ फुल नेम यहाँ पर एंट्री करे। तो सबसे पहले मैं इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लूंगी नेम वाले को, देन मुझे यहाँ पर डेटा टैब पे जाना है और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। तो फिर आपको यहाँ पर सेटिंग्स इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट का शो करेगा ऊपर, तो आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट एनी वैल्यू सेलेक्टेड होगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट करना है टेक्स्ट लेंथ। अब आपको मिनिमम देना है कि आप कितना टेक्स्ट लेंथ चाहते हैं। तो अब ऑब्वियस है कि कोई फुल नेम एंट्री करते हैं तो उनका मोर देन 3 होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 3। और मैक्सिमम मैं चाहती हूँ कि 20 या 25 लिख देती हूँ और ओके। तो अब देखिए अब मैं यहाँ पर दो लेटर्स का नेम एंट्री करती हूँ तो देखिए एक यहाँ पर एरर आ रहा है, द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ तो कंप्यूटर जनरेटेड मैसेज आ रहा है ना, मैं खुद का मैसेज चाहती हूँ वहां पे। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो इस रेंज को अगेन सेलेक्ट करूंगी और फिर से मुझे डेटा वैलिडेशन पे जाना है और एरर अलर्ट पे जाना है। और टाइटल में आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं लिख देती हूँ एरर, और एरर मैसेज में मैं लिख देती हूँ प्लीज एंटर फुल नेम ओनली। और फिर मैं ओके कर दूंगी। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर दो लेटर्स का नेम एंट्री करती हूँ तो यहाँ पर मेरा वाला एरर मैसेज आ रहा है कि प्लीज एंटर फुल नेम ओनली। अब इस तरह से आप चाहे तो कोई बड़ा नेम एंट्री करके भी चेक कर सकते हैं कि उसमें कुछ एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर जैसे प्रिया कुमारी और एंट्री करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया। अब अगर आप चाहते हैं कि कोई इसे देखे और समझ जाए कि उसे फुल नेम एंट्री करना है, तो आप इसके लिए भी यहाँ पर एक मैसेज दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसे पूरा सेलेक्ट कीजिए, देन आपको डेटा वैलिडेशन पे जाना है और फिर आपको इनपुट मैसेज में जाना है। और अब आपको टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं जैसे यहाँ पर एक मैसेज लिख देती हूँ। और इनपुट मैसेज में आप क्या चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर शो करे पहले ही फुल नेम आपको एंट्री करना है, तो मैं लिख देती हूँ प्लीज एंटर फुल नेम। और फिर ओके कर देती हूँ।
तो देखिए, जैसे ही मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगी तो ये मैसेज पहले ही शो करेगा यूजर को कि यहाँ पर उसे फुल नेम एंट्री करवानी है। तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लोग अपने डेटा को अच्छे से एंट्री कर सकेंगे। अब मैं नेक्स्ट पे चलती हूँ, मोबाइल नंबर पे। तो इस पे मैं चाहती हूँ कि 10 डिजिट्स का नंबर एंट्री हो। तो सबसे पहले मैं इसे सेलेक्ट करूंगी, देन मुझे डेटा वैलिडेशन पे जाना है और फिर सेटिंग्स पे जाना है। और एनी वैल्यू के प्लेस पे मुझे क्या लिखना है? होल नंबर को मैं सेलेक्ट करूंगी। देन बिटवीन पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो मैं बिटवीन तो चाहती नहीं हूँ, मैं इक्वल्स टू चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी और इक्वल टू पे क्लिक करूंगी। अगर आपको मोबाइल नंबर की जगह कुछ नंबर एंट्री करवाना है तो आपको यहाँ पे चाहे तो बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे कि ना नॉट बिटवीन इतना होना चाहिए, या फिर नॉट इक्वल्स टू इतना होना चाहिए, या ग्रेटर देन। आप कुछ भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं इक्वल टू को सेलेक्ट करती हूँ और वैल्यू में मैं क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी 10 और ओके कर दूंगी। अब देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ 3 डिजिट्स एंट्री करवाती हूँ, तो देखिए यहाँ पर एक एरर आ रहा है। तो अब एरर के लिए भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ खुद से कि मैं क्या मैसेज चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, इसे सेलेक्ट करूंगी और डेटा वैलिडेशन में जाकर मैं एरर अलर्ट पे जाऊंगी और यहाँ पर मैं एरर लिख दूंगी। और एरर मैसेज में मैं चाहती हूँ प्लीज एंटर 10 डिजिट नंबर ओनली। और ओके कर दूंगी। तो आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही नंबर एंट्री करती हूँ और एंटर कर देती हूँ, तो देखिए प्लीज एंटर 10 डिजिट नंबर ओनली, ये वाला एरर शो कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर कोई बड़ा नंबर एंट्री करवा देती हूँ, 10 से जो ज्यादा हो, तो देखिए फिर से यहाँ पर एरर मैसेज शो कर रहा है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि डेट ऑफ टेस्ट में, यानी कि हम लोग डेट के साथ कैसे वैलिडेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसे सेलेक्ट करूंगी और फिर डेटा वैलिडेशन में जाकर मैं यहाँ पर सेटिंग्स में जाऊंगी और एनी वैल्यू के प्लेस पे मैं क्या करूंगी, डेट को सेलेक्ट करूंगी। अब मुझे यहाँ पर बिटवीन का ऑप्शन आ रहा है कि स्टार्ट डेट आप क्या चाहते हैं और एंड डेट क्या चाहते हैं आप। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1 जून 2022 और एंड में मैं चाहती हूँ कि 30 जून 2022 रहे, और मैं ओके कर दूंगी। अब ये अगेन सिलेक्टेड रहेगा और मैं डेटा वैलिडेशन में जाकर एक एरर मैसेज भी दे देती हूँ। तो पहले मैं टाइटल में लिख देती हूँ एरर और एरर मैसेज में लिख देती हूँ प्लीज एंटर डेट्स ऑफ जून 2022 और ओके। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर कोई डेट डेट एंट्री करवाती हूँ, जैसे मैंने 1 मई का करवा दिया 2022, तो देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है प्लीज एंटर डेट्स ऑफ जून ओनली। और अगर मैं यहाँ पर जून का कोई डेट एंट्री करवाती हूँ तो देखिए कोई एरर नहीं आया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।